हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। वीडियो को आगे करने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ आज की वीडियो में आप लोग क्या क्या देखोगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपने पैरों को पोंछने के बाद मैं यहाँ सनस्क्रीन लोशन लगाऊंगी, टोजरिंग पहनूंगी, पायल पहनूंगी, उसके बाद मैं घर वाला स्लीपर पहनूंगी और साथ ही मैं अपनी सीढ़ी पर चल के दिखाऊंगी। और साथ ही साथ मेरे छत पर रखा हुआ है मूंग, जो खेतों से टूट के आता है मूंग, तो वो धूप में पसरा हुआ है मेरे छत पे और उसी में मैं चल के दिखाने वाली हूँ। और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, तो आपको भी वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। जो उसकी मतलब जब मैं चल रही थी तो बहुत चरमराहट से आवाज़ आ रही थी। सूखा हुआ मूंग, उससे बीज निकालने वाला प्रोसेस है, तो वो मैं दिखाऊँगी। तो मैं यहाँ जाने वाली हूँ धूप में, और मैंने यहाँ पैर भी धुला हुआ था, तो मैंने पैरों को पहले पोंछ लिया है, यानी पूरा सुखा लिया पैरों को। और मैं यहाँ ग्रीन वाला नेल पेंट लगाई हूँ और मैंने पैरों को सुखा कर उसको मैं यहाँ लगा रही हूँ पॉन्ड्स का सनस्क्रीन लोशन। और ये लोशन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सनस्क्रीन लोशन। धूप में जाने से पहले मैं अक्सर अपने पैरों को इस तरह से सनस्क्रीन लोशन लगाती हूँ। वैसे तो मैंने फेस के लिए लिया था, बट अब मेरी वीडियोज़ जो है वो फिट वाली आती है, तो पैरों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे धूप में जाकर वीडियो बनानी थी, तो मैंने अपने पैरों में सनस्क्रीन लोशन लगा लिया और उसको धीरे धीरे मैं यहाँ मसाज कर ले रही हूँ ताकि अच्छा से एब्जर्ब हो जाए मेरी स्किन में। और ये जो सनस्क्रीन लोशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब स्किन को थोड़ा ब्राइट कर देता है। मैं फेस के लिए अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा जो स्किन टोन है वो मेरा थोड़ा लाइट हो जाता है। इसी तरह मैं पैरों पर भी लगाई हूँ तो मेरा थोड़ा सा लाइट हो गया है। और मैं यहाँ पहन रही हूँ दुल्हन वाली पायल। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, ये वाली वीडियो मैं बनाई थी जब मैं पहली बार अपने गांव आई थी। अभी का बता रही हूँ, जब मैं गांव आई थी यही 4 जुलाई को मैं आई थी, तो उसके बाद मैंने 5 या 6 तारीख को ये पहली वीडियो बनाई थी। और उस टाइम से मैंने ये वाली वीडियो ही नहीं डाली, जैसे कि कहीं वीडियो बहुत सारी वीडियोज़ के बीच में ये गुम सा हो गया। हुआ ये कि मेरा जो फ़ोन मेमोरी है वो काफ़ी भर गया था वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, करते करते, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया था एसडी कार्ड में अपना। तो एसडी कार्ड में जब मैंने कन्वर्ट कर दिया तो उसी से ये रिकॉर्डिंग मैंने की थी, 1-2 वीडियोस। उसके बाद जब मेरा खाली हो गया फ़ोन मेमोरी, तो फिर मैं उसी से करने लगी, क्योंकि मेरा एसडी कार्ड में काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं है, बट मेरा जो फ़ोन मेमोरी है उसमें ज़्यादा जगह है। मेरा उसमें मेरा 32 GB है रैम, तो उसमें बहुत सारा वीडियोज़ ये सब आ जाते हैं, तो फ़ोन वाले में नहीं आता है, मतलब एसडी कार्ड में, फ़ोन में बहुत सारा आ जाता है। तो यहाँ जो टोजरिंग है वो भी बिल्कुल ही नई थी, बिल्कुल ही नई थी, मैंने एक बार भी नहीं पहनी थी। तो मैं यहाँ सोची कि रिव्यू भी कर दूँ, आपको दिखा दूँ कि वो कैसी लग रही है, बट अभी तो ये वाली टोजरिंग मेरी टूट भी गई है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा पहन लिया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये टोजरिंग, मुझे काफ़ी पसंद था और मैंने इसको बनारस से ही लिया था। वो भी मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको 15 रुपये में परचेज़ किया था, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट था, मतलब पहनने में खोलने में काफ़ी आसान था, बट ये थोड़ा टूट गया क्योंकि मैं यहाँ गांव पे हूँ और मुझे चलना फिरना रहता है पानी में, मिट्टी वगैरह में। और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने आपको हरियाली घास वगैरह के साथ दी हूँ, मिट्टी के साथ भी दी हूँ, तो समझ सकते हो इसमें थोड़ा जंग लग गया था, और जिसकी वजह से बार बार खोलने पहनने से उसमें ना वो मुड़ने से थोड़ा सा क्रैक टाइप से हो गया था। इसलिए ये वाला टोजरिंग तो अब नहीं रहा, इस दुनिया से बेचारा चला गया। तो देखिए, मैंने यहाँ सब चीज़ तैयार कर लिया। अब मैं वो जो फ्लाइट वाली सैंडल आपने देखी, चप्पल स्लीपर, तो उसको मैं नहीं पहन रही हूँ यहाँ। मैं गाँव पर इस टाइप की चप्पल पहनती हूँ, 2 टाइप की चप्पल रखती हूँ मैं, तो ये वाली चप्पल मैं पहन के जा रही हूँ अपनी छत पर। तो देखो, देखिए कि छत है हमारा सीढ़ी, कुछ ज़्यादा खास आपको अच्छा तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि हमारा छत तो ऐसा ही है, क्योंकि गांव का जो जगह होता है आप समझते हो कि कहीं भी कुछ भी रखा जाता है, तो वैसे ही चल रहा है मेरा पैर। देखिए, मैं अभी चल रही हूँ, मैं ग्रीन नेल पेंट लगाई थी उसी टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी। और देखो मेरे छत पे क्या क्या रखा हुआ है, यही है देखिए मूंग, जो कि पेड़ से टूट के आया था, मतलब लोग तोड़ के लाए थे जो काम करते हैं हमारे घर में, तो वो लोग तोड़ के ला के छत पे डाल देते हैं, फिर ये सूख जाता है, फिर इसको बोरा में डाल के, यानी जो बोरा होता है उसमें डाल के उसको डंडे से पीटा जाता है, उसके बाद उसका बीज अलग हो जाता है, बीज और इसका छिलका, तब उसको ओशोन किया जाता है, यानी कि हवा से
बीज को और इसके छिलके को अलग किया जाता है पंखे से, पंखे चला के। तो मैं वही छत पे रखा हुआ था सूखने के लिए और सूख भी रहा था, तो मैं इसी पे चल रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसमें चल चल के भी, मतलब इतना ज़्यादा ये हल्का था मूंग वाला, मूंग का ये जो पौधा है जो भी है इसका फल, तो बहुत ही हल्का होता है। और इतना तेज़ धूप था, इतना तेज़ धूप था कि मतलब इतना सूख गया था ये कि खुद ब खुद, जब मैं इसको ध्यान से सुन रही थी तो खुद ब खुद इसका जो मुंह है, मतलब एक मुंह का अगर मैं उठाऊं तो वो पूरा सूख गया था और अपने आप उसका मुंह खुल खुल जा रहा था धूप से केवल। और जब मैं उस पर चढ़ रही थी तो उसका आवाज़ सुन ही सकते हैं कि आवाज़ किस तरीके का आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा सूखा, इतना क्रंची था, मतलब सुनने से ऐसा लग रहा था जी। और आपको भी लग ही रहा होगा। और यहाँ मैंने अपनी दुल्हन वाली चांदी की पायल पहनी है, लेकिन टोज रिंग मेरी आर्टिफिशियल है जो कि 15 रुपए की है। और जब टाइम मिलता है तभी मैं वीडियो बना लेती हूँ, ख़ास मैं कोई तैयारी नहीं करती हूँ, आप लोगों को भी पता है। और मैं वैसे भी बता दे रही हूँ कि मुझे टाइम नहीं बच पाता है कि मैं कब वीडियो बनाऊँ पूरी तरह से तैयार होकर, तो ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है। तो जिस लुक में मैं रहती हूँ उसी लुक में मैं थोड़ा सा तैयारी करके और वीडियोस बना देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी नाइटी पहनी थी और बस मैंने तैयारी ये की है कि मैंने अपने पैरों को थोड़ा सा धुला है और साथ ही साथ धुलने के बाद मैंने उसमें सनस्क्रीन लोशन लगाई, क्योंकि मुझे धूप में आना था, बहुत तेज़ धूप है आप देख सकते हो। और मुझे यहाँ कोई भी अपने वीडियो में इफ़ेक्ट वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तो कभी कभी मैं अंधेरे में बनाती हूँ वीडियो तो मेरा पैर बहुत ख़राब दिखता है, तो कभी कभी मैं इफ़ेक्ट का भी यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इस टाइप से उसको दबा दबा कर भी देख रही हूँ, इस तरह से पैरों से दबा रही हूँ, तो उसको बीज देख सकते हैं, छिलका काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है और बीज अंदर की तरफ गिर रहे हैं। तो मैं आपको लास्ट टाइम भी वीडियो दिखाऊँगी, उसमें बहुत अच्छा बीज निकला है।